बहुत सारे विद्यार्थी मैथ्स विषय का नाम सुनकर घबराने लगते हैं कि मैथ्स के सवाल कठिन होते हैं, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता और भी ऐसी कई सारी परेशानियां विद्यार्थियों को होती रहती है। और इस संबंध में विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि मैथ्स को इम्प्रूव कैसे करें, मैथ्स में इंटेलिजेंट कैसे बने, मैथ्स में कमजोर विद्यार्थी तेज कैसे बने। हर विद्यार्थी यह सवाल का जवाब जानना चाहता है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करे ताकि उसमें अच्छे अंक अर्जित कर सके। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको भी मैथ्स में इम्प्रूव करना है। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिसे अप्लाई करके आप मैथ्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैथ्स उन विद्यार्थियों के लिए आसान विषय होता है जिनकी अंक तालिका अच्छी होती है, साथ ही जोड़ घटाव, गुणा और भाग की भी अच्छी तैयारी होती है। अगर आपके ये सभी क्लियर है तो आप आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा आगे बताए जाने वाले सभी बिंदु आपके लिए उपयोगी होंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं गणित समझने का तरीका। दोस्तों, गणित को समझने के लिए अंकगणित का फॉर्मूला याद करें, कैलकुलेशन पर पकड़ मजबूत करें, थ्योरी भी ध्यान से पढ़ें। इसके साथ ही जोड़ घटाव, गुणा भाग, टेबल एवं वर्गमूल की भी अच्छी पकड़ बनाए रखें। साथ ही शिक्षक के अनुसार दिए गए प्रश्नों को हल करें। अब कई सारे विद्यार्थियों के मन में यह सवाल होता है कि गणित की पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, गणित एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने के लिए किसी भी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होती। इसे सॉल्व करने के लिए केवल निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तैयारी अच्छे से करने के लिए समय सीमा का होना भी अति आवश्यक है, जिसमें कम से कम 2 घंटे का समय निर्धारित हो। अपने क्लास के टॉपिक्स के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। शुरू में ऐसे प्रश्न के साथ प्रैक्टिस करें जो बनाने में आसान हो। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और मैथ के प्रति आपके अंदर उत्साह बढ़ने लगेगा। दोस्तों, आप अपनी प्रैक्टिस हमेशा उन सवालों से करें जो बनाने में आसान हो, जिसे आप आसानी से बना सके। ऐसे प्रश्न को हल करने से आप में स्पीड और शुद्धता ही नहीं बल्कि आपके अंदर मैथ्स के लिए इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और इसके साथ ही मैथ्स के प्रति अपना विचार हमेशा स्पष्ट रखें ताकि विश्वास के साथ बोल सके कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ यदि मैं कोशिश करूँ तो। ऐसा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप वास्तव में प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, मैथ्स सब्जेक्ट को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। पढ़ने के लिए एकांत स्थान का चुनाव करें, पहले उदाहरण हल करें, साथ ही शिक्षक द्वारा बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें और आसान प्रश्नों के साथ गणित की प्रैक्टिस शुरू करें। अब आपको मैथ्स कैसे पढ़े यह जानकारी हो गई, लेकिन अब सवाल आता है कि गणित में मन कैसे लगाएं, इसे पढ़ने का हम मन कैसे बनाएं। दोस्तों, ऐसी परेशानी किसी एक स्टूडेंट का नहीं होता बल्कि अधिकतर स्टूडेंट के साथ होता है। मैथ्स के सवाल को हल करने से दूर भागते हैं। ऐसा तभी होता है जब उन्हें डर लगता है या फिर उन्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़िए, तभी आप उसे हल कर पाएंगे। आप ऐसा कभी ना सोचे कि आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, बजाय यह सोचिए कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं या ट्रिक्स लगाऊं ताकि यह प्रश्न हल हो जाए। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन दोस्तों यही परेशानी ही आपको आगे मदद करेगी। इसलिए अगर आप बताए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप मैथ्स में मन लगा सकते हैं और इसे फॉलो करते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। शर्त यह है आप अपनी स्टडी बिना किसी भी संकोच के जारी रखें। दोस्तों, गणित पढ़ते समय उसमें मन लगाने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि पढ़ने से पहले एकांत स्थान का चुनाव करें, समय निर्धारित करें, हल किए हुए प्रश्न को पुनः हल करें और इसके साथ ही फार्मूला का ध्यान अवश्य रखें। आसान एवं हल किए हुए प्रश्नों को बार बार हल करें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि मैथ्स में तेज कैसे बने, यानी कि इसमें एक्सपर्ट कैसे बने। एक्सपर्ट हमें अपनी काबिलियत से बनना होता है, जो कि कठिन श्रम से ही संभव हो पाता है। पराज से आप भी टॉपर बन सकते हैं। मैथ्स फार्मूला पर आधारित प्रश्न होता है जिसे फार्मूले की सहायता से हल करना होता है, जिसमें धैर्य, साहस एवं कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। प्रत्येक टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं शांति से समझने की कोशिश करें। टॉपर बनने के लिए पहले गणित के सभी चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा समय अंतराल पर रिवीजन भी करते रहें। प्रत्येक दिन कम से कम 2-3 प्रश्न हल करने का प्रयास करें और इसके साथ ही प्रश्न को नए विधि से हल करने का भी प्रयास करते रहें। फार्मूला यानी कि थ्योरी को भी हल करने की कोशिश करें। इसके साथ ही आप अपनी पढ़ाई के दौरान अपने शिक्षकों से भी मदद ले सकते हैं। ऐसा करना कठिन अवश्य है पर प्रयास जारी रखें। दोस्तों, अब हम आपको गणित में टॉपर कैसे बने इसके लिए कुछ टिप्स बताने वाले हैं। आप इसे हमेशा याद रखिए, गणित के बुनियादी टॉपिक पर पहले ही पकड़ मजबूत बनाएं, कैलकुलेशन पर बेहतर पकड़ बनाएं, साथ ही थ्योरी हल करने की भी काबिलियत होनी चाहिए। ज्यादातर प्रश्न हल करने का प्रयास करें। 2 से 4 घंटा मैथ्स के लिए समय निर्धारित जरूर करें। इसके साथ ही आप नोट्स का भी प्रयोग करें, ग्रुप डिस्कशन भी करते रहें
ऑनलाइन सोर्स का भी उपयोग साथ में करते रहें। अलग अलग किताब से प्रैक्टिस करें, जिसमें आपको नए नए तरीकों की जानकारी होती रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि गणित पूरे फार्मूले का खेल होता है, तो सवाल आता है कि फार्मूला कैसे याद करें। दोस्तों, गणित का फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप उसके साथ प्रैक्टिस करते रहे, खुद ब खुद से सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। एस्टूरेशन, सांख्यिकी, ज्योमेट्री आदि के प्रश्नों को भी हल करने की प्रैक्टिस करें। पर कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिन्हें याद करना आवश्यक होता है, जैसे कि अलजेब्रा के सभी फार्मूले, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, टेबल बहुपद की डिवीजन एवं वृत्त के फार्मूले आदि। ये ऐसे फार्मूले होते हैं जिन्हें आपको याद करना ही होता है। जैसे कि हम आपको सभी टॉपिक्स में ट्रिक बताते जा रहे हैं, चलिए जानते हैं फार्मूला याद करने के ट्रिक कौन कौन से हैं। दोस्तों, फार्मूला याद करने के लिए आपको टॉपिक को चिन्हित करना होगा, टॉपिक के अनुसार फार्मूला लिखना होगा, थ्योरी पर भी विशेष ध्यान देना होगा और खुद से थ्योरी हल करें। फार्मूले के उपयोग के अनुसार प्रश्न को हल करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने लंबे समय तक आप फार्मूले को याद रख पाएंगे। तो आपने कहावत तो सुनी होगी, रिविजन इज डिविजन। जब तक आप किसी पढ़े हुए चीज की रिविजन नहीं करते, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि गणित का रिविजन कैसे करें। तो रिविजन पढ़ाई का दूसरा पहलू माना जाता है। बिना रिविजन के पढ़ाई का कोई मकसद नहीं होता। जब कुछ नया सीखने को ना मिले और पीछे का पढ़ा हुआ याद रखने में परेशानी हो, तो रिविजन ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा वो सब कुछ याद किया जा सकता है जिसे याद रखने में परेशानी होती है। रिविजन कई प्रकार से किया जाता है जो समय पीरियड के अनुसार होता है, लेकिन हम आपको कुछ रिविजन के टिप्स बता देते हैं। दोस्तों, मैथ्स का रिविजन करने के लिए आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होगा, जैसे कि प्रैक्टिस करने का एक सही समय निर्धारित करें, रिविजन शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण फार्मूले को याद कर लें, जैसा कि हमने आपको बताया है। साथ ही सबसे पुराने टॉपिक जो कि पढ़ाया जा चुका है, पहले उसे लिखिए और रिविजन करते समय नए नए पुस्तकों का उपयोग करें। ध्यान रखिए समय के अनुसार प्रश्न संख्या को हल करें, जितना समय वैसा ही प्रश्न। रिविजन एक नए नोटबुक में करें ताकि बाद में हल किए गए प्रश्न जल्दी से मिल जाए। कोशिश करें कि हर बार एक ही बुक से प्रश्न हल ना करें। इसके साथ ही दूसरे प्रकाशन के मैथ्स की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। दोस्तों, सारी बातों को मिला के कहा जाए तो मैथ्स में तेज बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हमारे द्वारा बताए गए टिप्स आपको इसमें मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे टिप्स आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो और टिप्स हमने आपके लिए पहले ही बना रखी है जिसे आप देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।